कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में गायत्री परिवार ने पहुंचकर आगे की पीढ़ी को कैसे संस्कारवान बनाया जाए उस विषय पर चर्चा की। संस्कार के नाम से जाना जाता है और शांति से जो भी आई है वो आपको इस गर्भ संस्कार के विषय में बनाए बताए। आप जाते हो तो आपको ये बताना है कि महिलाएं व्यवस्थित रहें, सुबह से शाम तक की उनकी दिनचर्या अच्छी रहे। दूसरा काम क्या है, महिलाएं अपने खाने का पूरा ध्यान रखें, है ना। महिलाएं कई बार क्या होता है घर परिवार में रहती हैं, सारे काम करती रहती हैं। परिवार के लिए क्यों बोला जाता है, जैसे कि हम ये देखते हैं अगर शरीर हमारा होता है एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है और एक कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर क्या होता है, गायत्री परिवार की ओर से जो हमारी आशा कार्यकर्ता रह रहे हैं जिनको हमारे यहाँ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस बीच में उन्होंने हमसे समय मांगा है। यहाँ पर इन्होंने आने वाली जो पीढ़ी है संस्कार पीढ़ी कैसे बने उस विषय पर लेकर हमारी ये बहनों से चर्चा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। तो उनका ग्रामीण महिलाओं से यहाँ पर जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय महिलाएं हैं उनका चर्चा करने का ये विषय है।